दादा ये बीच पे किस किस तरह के लोग मिल रहे हैं दादा? मेरे को डॉन का इंतजार है, कोई डॉन आए मुझे बंदूकबाजी सिखाए यार, ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? तो थोड़ी देर फिर रेस्ट कर लेता हूँ, जब लाइनें ना हो तो रेस्ट ही बनता है। बीच में कहे को आया रे, तेरा भी आ गया तो 30 रुपए निकाल तेरा फोटो खींचने में। 30 रुपए कहे को निकालूं? मस्त तेरा पासपोर्ट साइज फोटो करेगा। अपना खासियत है कि पासपोर्ट साइज में खाली कंधा नहीं आता है, पूरा बॉडी आता है ऐसा। अच्छा हाँ, मैं लौकर कर चल। उससे फायदा क्या, वीजा वीजा निकल जाएगा? अरे पूरा वीजा निकल जाएगा देख तू। अरे क्या बात है, फिर तो मैं फोटो निकलवाऊंगा। हाँ, बहुत बहुत बड़े फोटोग्राफर लगते मेरे को। सलमान खान का नाम सुनेगा तू? सलमान, हाँ सलमान खान ने पहले सखाराम से फोटो खिंचवाया। हाँ। बाद में वो सुपरस्टार बना। क्या बात है, मेरे को भी सुपरस्टार बनना है, मेरा फोटो खींच दो यार। तो सखाराम के पास जब मैं तुकाराम है। ए, मिथुन दादा चक्रवर्ती को जानते हो क्या? मिथुन दादा चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती दादा आने आमच्यासाठी दादा देते। अच्छा हाँ, जानते हैं उनका फोटो देखा क्या? ये देख, अरे ये मैं खींचा है। ये तो दो दो लड़की के साथ फोटो है इनका। हाँ तो यही तो कमाल है। हम लोग क्या करते है, हर महीने फोटो लेके जाते हैं और मिथुन दादा को बोलते हैं कि अभी 3 लाख रुपए दो। अरे बाबा ब्लैकमेलिंग भी कोई चीज है बाबा। हाँ। मेरे को ना ऐसी लड़की लोग के साथ फोटो नहीं खिंचवाने का है, मेरा अलग से कुछ ऐसा फोटो खींचो। अच्छा हाँ। अलग से मतलब कोई अच्छी हीरोइन वीरोइन रहेगी क्या? अच्छा हीरोइन चाहिए तुमको। दीपिका कैसा रहेगी तुम्हारे लिए? दीपिका? हाँ। अरे उसके साथ फोटो खींचोगे? अरे हाँ क्यों नहीं। ए दीपिका क्या आ गई, देखो अपनी दीपिका इधर। हाँ बाबा। ये दीपिका की नेगेटिव कॉपी, डरो मत, अभी तुम्हारा फोटो खींचेंगे हम और बाद में इसको निकाल के उधर दीपिका लगाएंगे हम लोग, ठीक है? ये हम लोग का फोटोग्राफर लोग का लैंग्वेज है, तुमको नहीं समझेगा सब। अच्छा चलो। ए हाँ। टाइटैनिक पोज बनवा रहे ऐसा लवकर। हाँ ए, अबे टाइटैनिक बनाना है, स्लम डॉग मिलियनेयर का पोज नहीं बनाना है क्या इसको समझे बाबा? इसमें इसका कोई गलती नहीं है, पहले सैराट में था ये। हाँ। तो उस सैराट पिक्चर पूरा वर्ल्ड वाइड सुपरहिट हुआ, इसको किसी ने बोला ही नहीं। फटाफट हाँ। करो टाइटैनिक पोज। हाँ। हाँ। सुनो ओ। हाँ। अभी दीपिका को किस करो तुम। पागल है क्या तेरी? तो कहे कौन किस करेगा, मरना है मेरे। अरे आओ पोज में आओ चल। बड़े काम कर दीपिका, तू किस कर उसको चल। हाँ चल जा रहा काम। इसके साथ फोटो खिंचाने से अच्छा मैं अकेला फोटो खिंचा लूं। जाई तुम चल। क्या मेरे को यही बोलवाने का था तुम्हारे से कि मैं अकेला फोटो खिंचवाने को तैयार हूँ। चलो हाँ। तुमको इतना पसीना क्या को आ रहा है, तुम्हें काम करो मेरे से ठंडा ठंडा बियर खरीदो मेरे से तुम। हाँ मस्त बियर लो। अबे नहीं चाहिए रे बियर मेरे को। ए फिर लाओ इधर, तुम्हारा भविष्य पता था, मैं एस्ट्रोलॉजर है ना रे बाबा। अभी तू काम क्या करता है, बियर बेचने आया, फोटो खींचने आया, एस्ट्रोलॉजर तू है कौन? अरे बाबा मैं परेशान करता हूँ। हे बाबा एक काम कर, ये मच्छी ले 30 रुपए दे चल। तू बियर वाला है, ज्योतिषी है, फोटोग्राफर है, मच्छी वाला है, कौन है वे? चल 10 रुपए दे रहे बाबा चल। भाग गया। अरे बाबा दरअसल क्या है, पिया तो चना लगता ही अपने को। अरे बकवा, मेरे को डॉन से मिलना है, बंदूकबाजी सीखनी है मुझे यार। सर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था सर। अबे साले कुछ ऐसा कर, लोग तेरा इंतजार करें। सर मुझे ना प्लीज अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। अरे ग्रुप में तेरे को शामिल तो मैं कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की कसम खा, कोई भी गंदा वीडियो, गंदी फोटो, गंदे मैसेज मुझे सेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस ग्रुप में मेरी माँ भी है। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं सर आप? व्हाट्सएप ग्रुप और कौन सा? व्हाट्सएप? मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा सर, मुझे डॉन बनना है सर, डॉन। ओ डॉन बनना है तो तुम्हें धारावी जाना पड़ेगा। धारावी क्यों? अरे वहाँ पे ऐसे शूज मिलेंगे, ऐसी ऐनकले, लोग खुद कहेंगे ये कोई डॉन लगता है। अरे डॉन मतलब सर मुझे लोगों को उड़ाना है, उड़ाना है। तो पायलट बन मेरे पास क्या कर रहा है सर? मुझे वो सिखाइए ना जो आप लोग करते हैं।
अच्छा जो हम करते वो हाँ। बेटा बहुत मुश्किल है, जाल बिछाना पड़ता है, लोग साथ रखने पड़ते हैं, फिर इंतजार करना पड़ता है कब जाल में केकड़ा फंसेगा, मछली फंसेगी तो बिजनेस होगा। केकड़ा मछली? मैं मछली बेचता हूँ ना, ये देखो ये 5 स्टार में मैं इधर मछली सप्लाई करने आया हूँ, ये देखो। आप डॉन नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। तेरी एक मिनट तेरी तो बताना चाहिए ना कि तू डॉन नहीं है। अरे एक मिनट भाई साहब, आप मुझे बताओ कि आप इतना गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में क्यों नहीं रहूंगा मैं, मेरी गर्लफ्रेंड को एक आदमी लेके चला गया और उसके साथ चली गई क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे थे, मुझे लगा आप डॉन है, आपसे कुछ सीखूंगा मैं, कुछ चंद पैसे कमाऊंगा। वो देखो सर, वो आ रही है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड। आओ पीछे से देखते हैं। रोमांटिक डायलॉग सुनाइए ना। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लग रहा है। तेरा बाबू मुझसे बंदूकबाज। ये देखो, ये कैसा लेकर आई यार तू? नवाज है और क्या? अरे डुप्लीकेट असली नवाज भाई तो सामने बैठे हुए हैं। हाय राम, चलो चलो, मैं असली वाले को लेकर आती हूँ। पकड़ी, हाँ बस बस। देखा ये सब कर रही है लड़की, इनके साथ में पैसे के लिए छोड़ दिया मुझे। अरे पैसा तू कमा ले बेटा, डोंट बनाना। हाँ? तू बैंक लूट, पैसा ही पैसा। लेकिन एक बात याद रखना, भेस बदल के जाना, क्योंकि तू पकड़ा जाए अगर फांसी भी हो जाए तो पता चल जाए कि तू नहीं। हाँ ठीक है, मैं लड़की के लिए मरने को भी तैयार हूँ। मैं बैंक लूटूंगा। हाँ नवाज जी, जब से मुन्ना माइकल में मैंने आपका डांस देखा है मैं तो फिदा हो गई आप पर। मैं एक छोटा सा डांस करके आपको प्रपोज करना चाहती हूँ, इजाजत है? इजाजत है। नवाज जी खुद ही उठा दिया। अरे कोई ये कैसे निकलेगा? हेलो। हाँ जी कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे वो मुबारक हो, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। हाँ जी तो बोलो ना आगे से कुछ। वो नवाज जी आपको बोल रहा, बोलो, ये उंगली से कोई फोन थोड़ी कर रहा है। अरे असली आ गया। वाले अरे एक मिनट। हेलो। हाँ जी, ना लेना ना देना बैंक। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नवाज जी का अकाउंट यहीं पे है। नहीं पर हम ये नहीं बता सकते ना कि उनका पैसा कितना जमा है, ये हमारा सीक्रेट होता है। अच्छा अच्छा आपको तो बता दो, 700 रुपया। नहीं नहीं ये तब का है जब वो कुछ नहीं होते थे, अब तो सुपर स्टार है, अब तो करोड़ों रुपये करवा रहे हैं ना दूसरे बैंकों में। ओके जी ओके, ठीक है दफा हो जाओ। हाय सर। Hi sir, how are you sir? How are you sir? कैसे sir? Sir मुझे actually नवाज sir, मैं यहाँ पर भेस बदल के आया हूँ बैंक लूटने के लिए। Hi sir, sir मुझे ना अब बैंक में आपकी नौकरी चाहिए sir। नौकरी चाहिए ना? हाँ। कोई बात नहीं, हमें इस बैंक के लिए एक ड्राइवर चाहिए जो हमारे बैंक को चला सके। ये बैंक के कोई टेम्पो थोड़ी जो आपको ड्राइवर चाहिए। अरे सर मुझे बैंक में नौकरी दे दो सर, मैं तो कमाल की हूँ, मैं तो गड्डी सूंघ के बता देती हूँ कि उसमें कितने नोट है। ये कैसे हो, सूंघ के थोड़ी को बता सकता है। नहीं नहीं मैं पहले गिन लेती हूँ ना उसके बाद सूंघती हूँ मैं। मैं तो आपके लिए कमाल की क्लाइंट भी लाई हूँ। अच्छा कहाँ है? अरे दिव्या दत्ता के लिए जोरदार तालियां। आधा अकाउंट भी खोल देंगे ना बैंक नोटों से भर जाएगा सर। अरे मैं जानता हूँ दिव्या जी, आप अपना अकाउंट हमारे बैंक में खोलिए। मैं आपको सच्ची बताऊं, अभी बहुत पैसा आना है, फिल्म रिलीज हो रही, करोड़ों रुपए आने, कब तक पैसा चुन्नी में बांध के घूमती रहेंगी। जी सही है ना। हाँ तो चलिए आप हमारे इधर का फॉर्म भर दीजिए। ओके सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है दिव्या जी? ये तो वो बात हो गई ना, तेरा नाम क्या है बसंती।
जो बोल रहे हैं वही नाम है। अच्छा आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप का क्या करेंगे? एक्चुअली क्या है कि जब हम पैसे जमा कर लेते हैं ना, वो लेने आते हैं, कई बार हम वापस नहीं करते तो खून खराबा होता है, तो देखना पड़ता है। अच्छा तो ये बताइए आपका बॉयफ्रेंड कौन है? क्या आप इतने पर्सनल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? हम पर्सनल सर्विस देने वाले हैं ना, इसीलिए पर्सनल क्वेश्चन पूछना पड़ता है। अच्छा ये बताइए आप मांगलिक हैं? सुनिए आप मेरा अकाउंट खोल रहे हैं कि मेरा रिश्ता करवा रहे हैं? नहीं नहीं हम ये सब करते हैं, हम तो रफू भी करते हैं पार्ट टाइम। अच्छा अच्छा सुनिए मेरी एड़ियां फटने वाली हैं, भेजूं? हाँ किसी के हाथ भेज दो, हम ठीक करके वापस भेज देंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या? फिल्में करती हूं। फिल्में करने से पैसे आते हैं? हाँ आते हैं। मुझे तो पता नहीं, इसको मुन्ना माइकल मिली थी, एक रुपया भी नहीं मिला, रोल भी कट गया इसका। तो चलिए आपका अकाउंट इधर खुल गया। ओके मैनेजर साहब अकाउंट हो गया। तू क्या कर पैसा गिन रहा है? देख आइए आपका अकाउंट हो गया। तो आपका अकाउंट खुल चुका है, सारा पैसा आप जमा करवा दीजिए यहाँ पे जी। तो आप सामने बैठी है, ध्यान भी रहेगा, बैंक लूट तो नहीं जा रहा है ना। सही, आप आइए सामने प्लीज। सर इन्होंने बैंक में अकाउंट तो खोल दिया, लेकिन सर मुझे यहाँ पे ना सेफ नहीं लग रहा है सर। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा ओके बाबा ओके, सेफ उधर है, उधर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। बैंक लूट लिया मैंने, बैंक लूट लिया। ₹200 बैंक में? ₹200? अरे मैं कितने सालों से वेट कर रहा हूँ, कब ₹500 होगा तो मैं लूट लूंगा, आज तूने लूट लिया। अरे मैं ₹200 का क्या करूंगा? कोई बात नहीं, इसी बैंक में जमा करा दो, 7 साल में 400 हो जाएगा। बकवास बंद करो, यहाँ पर भी मैं फेल हो गया। नवाज भाई अभी आप ही संभालो, मैं बंदूक बार बंद ही नहीं सकता हूँ। बाजी सिखा दीजिए तो एंड में, मतलब अगर उसमें कुछ हो गया तो आगे देख लूंगा लाइफ में क्या होता है। लाओ भाई लेकर आओ। सर बंदूक तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये स्माइलीज हैं और निशाना हमारे पास है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.